आज बनाएंगे दाल के फरे। इसके लिए लेंगे 1 कप उड़द दाल, आधा कप मूंग दाल, आधा कप चना दाल। इसको हम रात भर भिगा देंगे। दाल भीग गई है, हम इसको अच्छे से धुल कर इसका छिलका निकाल देंगे। छिलके को हम पूरी तरह से नहीं निकालेंगे। इस तरह से हम दाल को धोलेंगे। छिलके हम पूरी तरह से नहीं निकाले हैं, तो छिलके भी इसमें हैं क्योंकि छिलके काफ़ी सेहतमंद होते हैं, इसलिए हम छिलकों को पूरी तरह नहीं निकालेंगे। अब हमने दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम इसको पीस लेते हैं। तो दाल को हम थोड़ा मोटा ही पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। ज़्यादा बारीक करने से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हमने दाल को पीस लिया है, अब हम चावल का आटा लगाएंगे। इसके लिए हम गर्म पानी लेंगे, इसमें ठंडा पानी नहीं डालेंगे। गर्म पानी से अच्छे से गूंथ जाता है और सॉफ्ट रहता है, तो इस तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए आटा। आटे को हम इस तरह मसलते हुए गूंथ लेंगे। इसको गूंथने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे ढककर। अब हमने आटे को ढककर रख दिया। दाल में कुछ मसाला डालेंगे। इसमें डालेंगे हींग 1/2 छोटा चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया बहुत सारा डालेंगे। दाल को हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। अब हम फरे बनाने के लिए लेंगे थोड़ा सा देसी घी। इसको हम हाथ में लगा लेंगे, आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और इस तरह से इसको बना लेंगे। और इस तरह से हम इसकी छोटी टिकिया बना लेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे और इस तरह से शेप देंगे। शेप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। अब इस तरह से हम सारे फरों को बनाकर तैयार कर लेंगे। हम इस तरह से भी शेप देंगे। अब इस तरह से हमने सारे फरों को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ढेर सारा पानी डाल देंगे। इसको उबलने के लिए रख देंगे। पानी अच्छे से खौलने लगा है। हम एक जाली वाली थाली लेंगे, इसमें घी लगा देंगे। घी हम अच्छे से लगा देंगे ताकि फरे चिपके नहीं। अब हम कढ़ाई के ऊपर इस तरह थाली को रख देंगे। इसके ऊपर सारे फरे रख देंगे। फरों को थोड़ा सा दूर रखेंगे, एक साथ नहीं रखेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। अब इस तरह से हमने सारे फरों को थाली में रख दिया। हम इसको ढककर पका लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे ये पके हैं कि नहीं। अब हमारे फरे पककर तैयार हो गए, उनको हम बाहर निकाल लेंगे। इसके साथ हम एक बनाएंगे अच्छी सी चटनी। इसके लिए लेंगे हम फ्रेश टमाटर। अब ये देखिए टमाटर थोड़े पक गए हैं, थोड़े से इसमें कच्चे टमाटर भी हैं, तो हम दोनों टमाटर को तोड़ लेंगे। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं, थोड़े से कच्चे और थोड़े से पके। टमाटर की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे गमलों में थोड़े से बेजिल के पत्ते हैं, तो हम थोड़े से बेजिल पत्ती लेंगे, थोड़ा धनिया पत्ती लेंगे। टमाटरों को हम डालेंगे थोड़े से लहसुन, थोड़ा सा अदरक, 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, सफ़ेद नमक। सारी चीज़ों को मिक्स करके हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी भी तैयार हो गई है। हमारी चटनी और फरे तैयार हो गए हैं। अगर आप फरों को फ्राई करना चाहते हो तो जीरा, सरसों, हींग, करी पत्ता, हरी मिर्च से छौंका लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।